इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। हम लोग स्मार्ट सिटी अजमेर की बोर्ड मीटिंग थी, उसमें प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। उसके अलावा कुछ नए पार्किंग स्पॉट्स का जो सीओ साहब और क्लर्क साहब और इन्होंने चयन किया था, उसके भी अप्रूवल कर दिए। उसके हॉस्पिटल के कुछ प्रोजेक्ट्स थे और गवर्नमेंट के जो मंत्री जी के इंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट्स को किस तरह बेहतर कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया। और कोशिश रहेगी कि मोस्टली DPR दिसंबर लास्ट तक बन जाए और फरवरी मार्च तक सारे प्रोजेक्ट्स चालू हो जाए मोटे तौर पे। कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं बना रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के कुछ एरिया में ले रहे हैं, उसके अलावा रोड्स का कर रहे हैं, जो अजमेर रोड का कर रहे हैं डेवलप, उसके अलावा पार्किंग का 8-10 जगह प्रोजेक्ट ले रहे हैं पार्किंग। स्पोर्ट्स में पटेल स्टेडियम का डेवलप कर रहे हैं, DPR वगैरह अंडर प्रोसेस है। उसके साथ साथ अपने कुछ ये स्कूल्स में प्लेग्राउंड का देख रहे हैं, कुछ स्पोर्ट ये क्या बोलते हैं इसका स्मार्ट क्लासरूम का कुछ कर रहे हैं। कुछ जो गरीब बच्चे रहते हैं जो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, उनकी कोचिंग का भी कुछ प्लान कर रहे हैं। बाकी सीओ मैडम और क्लर्क साहब सब पूछ लें, है ना। कोई शिकायत आई तो उसमें गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, जो आप इसक्वायरी का जवाब देख लें, मैं जयपुर देख के बता पाऊँगा, है ना। अजमेर नगर निगम के काम में जैसे साफ सफाई का थोड़े देखे थे, उसके अलावा रेवेन्यू कैसे बेहतर हो, सीओ मैडम से सुबह चर्चा हुई थी, रेवेन्यू कैसे जो UD टैक्स बेहतर कलेक्ट हो, उसके अलावा साफ सफाई बेहतर हो, फायर सर्विसेज कुछ फायर इक्विपमेंट्स की भी बातें हुई, उसके अलावा कुछ साफ सफाई के लिए उनके इक्विपमेंट्स वो भी स्मार्ट सिटीज अभी अप्रूवल किए हैं। तो व्यवस्थाएँ सुधरे या सदैव सरकार प्रयासरत रहेगी, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह उन पर कंट्रोलिंग वगैरह प्रॉपर हो, ये सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का नहीं, नहीं गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है ना, जैसे कुछ सिटीज़ में अपने उदयपुर और जयपुर थे वहाँ CEO अलग पोस्ट थी, बाकी सिटीज़ में ये है, मेरे हिसाब से गति पकड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, थिंग्स आर मूविंग। और जो गवर्नमेंट के माननीय मंत्री महोदय के इंस्ट्रक्शन हैं धारीवाल साहब के, उसके मुताबिक हम लोग पूर्णतया प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट मंथ या इस महीने के लास्ट में एक बार मंत्री महोदय खुद पता रहेंगे रिव्यू करने, उनसे भी मेरी बातें, उनके आदेश से हम लोग यहाँ हैं। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से प्रोग्रेस काफ़ी पकड़ रहा है जितना, बीच में इनके 2 साल पहले तक वो कंसल्टेंट फर्म के भी कुछ इश्यूज़ थे, चीज़ें नहीं पकड़ पाए, लेकिन अभी टीम धीरे धीरे डेवलप हो रही है क्लर्क साहब के निर्देशन में और जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेहतर तरीके से तुरंत काम हो और राज्य सरकार की जो पब्लिक को सर्विस करने की मंशा है, पब्लिक की बेहतर जीवन स्तर करने की मंशा, उसके अनुरूप हम पूर्णतः खरा उतरें। सर बन रही है ऑलरेडी, पटेल स्टेडियम की DPR बन गई, चंद्रप्रदाई में भी कर रहे हैं, 2-3 और स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसकी DPR करके मेरे साथ दिसंबर लास्ट तक टेंडर वगैरह फ्लोट हो जाएंगे। नगर निकाय चुनाव तो ऑलरेडी 49 जगह चल रहे हैं, उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है, बाकी जगह जैसा अगस्त में है तो उसके मुताबिक जैसा राज्य निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश देगा। हम लोगों का जो LSG की ड्यूटी बनती है वार्ड, ऑलरेडी हमने जो गवर्नमेंट के निर्देश उसके अनुरूप लगभग 40% वार्ड बने हैं, नए बने हैं। 3 नगर निगम में अभी गवर्नमेंट ने जैसे जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बनाए, उसकी भी ऑलरेडी जो कानून के तहत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं और पूरी स्टेट इलेक्शन कमीशन और सरकार की मंशा है कि लोग अपना निर्बाध रूप से अपना जो वोटिंग राइट्स है वो पूरा दें। सर नसीराबाद में केवल 900 और कुछ डिमांड में बनी थी ना भाई, यहाँ के लोगों ने पुरानी सरकार ने बनाई थी कि पब्लिक डिमांड पर बनी थी, कंटोनमेंट एरिया अलग, मैं भी यहाँ कलेक्टर हूँ 2014 में, तब भी डिमांड आई थी कि साहब अलग मुंसिपल क्योंकि कंटोनमेंट एरिया में कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जो बाहर लोग आ गए उनकी व्यवस्थाएं, उनको पट्टे देने का, उनको नई लोग भी तो नए बस रहे हैं ना, कंटोनमेंट को रेस्ट्रिक्शंस हैं। नहीं वो तो पूरा प्रोसेस फॉलो करके किया ना, पूरा प्रोसेस नगर नसीराबाद में 2 म्यूनसिपलिटीज होगी ना, जैसे पिलानी में 2 म्यूनसिपलिटी, विद्यावार अलग है, पिलानी अलग है, यहाँ पे 2 म्यूनसिपलिटीज होगी ना, एक कंटोनमेंट एरिया का होगी और एक ये लोकल म्यूनसिपलिटी होगी। तो पब्लिक डिमांड पर बनी और सरकार ने एज पर लॉ किया है, और पॉपुलेशन उस एरिया में कम है तो ऑब्वियसली वो वोट भी कम होंगे ना। अवैध निर्माण को लेकर कोई कंटिन्यूस प्रक्रिया है, सीओ मैडम उनकी टीम कलेक्टर साहब के निर्देशन में जिस तरह कार्रवाई कर रही है गफलत के अंदर,
नाम राम का था वो शाम वो गलती है, वो गलत है जिसने किया, नहीं नहीं जो गलती की उसके खिलाफ एक्शन लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती सर, सुनवाई जो अधिकारी हमारी बात तो सुनो कम से कम आप सीट में, आप लोगों ने बताया ना, मुझे भी बताया था सीएम मैडम ने, जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन करने तक फाइल गई उस पे बकायदा आदेश भाई तो है लापरवाही उसके खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ एक्शन होगा, नोटिस वगैरह उनसे पूछे जाएंगे। कलेक्टर साहब से और आप ले लो, आज स्मार्ट सिटी के जो कार्य चल रहे हैं उसके लिए सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में मीटिंग ली गई है और अभी तक जो कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और जो नए कार्य होने हैं उसके बारे में जो DPR की तैयारी है, टेंडर की तैयारी है और मुख्य रूप से निर्देश ये दिया गया है कि दिसंबर जनवरी तक हम सभी कार्यों की DPR और टेंडरिंग कर लें और मार्च अप्रैल से सारे कार्य शुरू होने जाने चाहिए, यही निर्देश है और जैसा सरकार की मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आम जन को भी फ़ायदा पहुंचे तो उस हिसाब से हम लोगों ने नए प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं और जैसे कि हॉस्पिटल के कार्य हैं और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को अच्छा करने के कुछ कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो गरीब लोग हैं उनके लिए, बच्चे हैं उनके लिए भी हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो ये सभी कार्य जो है हम समयबद्ध तरीके से करा लेंगे।